एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ए कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकेंड ऑन द ऑब्जेक्ट गिव्स इट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन द एसलेशन प्रोड्यूस इज. सिचुएशन समझनी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो मान लिया इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और एक फोर्स लगा 4 सेकेंड तक, उसने उस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दे दी, 2 मीटर पर सेकेंड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. 4 सेकेंड में ये खेल हुआ है तो एसलेशन पूछ रहे हैं, एसलेशन कितना होगा, एवरेज एसलेशन. एसलेशन जो होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. अब अगर इस वेलोसिटी को आप पॉजिटिव मानते हो प्लस 10, तो ये वेलोसिटी आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल हो जाएगी माइनस 2, माइनस इनिशियल करेंगे तो इनिशियल आपकी थी 10 अपॉन टोटल टाइम 4, तो 12 माइनस 12 बाई 4 यानी माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये माइनस साइन ये बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन. इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन. बी पार्ट, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिड्यूसेस बाय 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन टाइम टी नॉट. आराम से समझना हो क्या रहे यहां पे. अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की है बी नॉट, तो टी नॉट टाइम में उसके पास जो वेलोसिटी बचती है रिड्यूसेस बाय 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, रिड्यूसेस बाय, तो बची कितनी, बची 1/4 वी नॉट बाय 4. 3/4 से रिड्यूस हो जाती है तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, 1/4. अगर यहां लिखा होता रिड्यूसेस 2, तो 3/4 तक कम हो जाती, यानी वी नॉट से वो 3/4 वी नॉट हो जाती, तो 2 और बाय का खेल है. पूछ रहे हैं द टोटल टाइम ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी टिल द वेलोसिटी बिकम जीरो, पूछ रहे हैं कितने टाइम में वो जीरो हो जाएगी, टोटल टाइम ऑफ मोशन पूछ रहे हैं. तो यहां से पहले हम रिटार्डेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक. रिटार्डेशन जो होगा नेगेटिव आएगा, अपने आप ही नेगेटिव आएगा. फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी है वी नॉट बाई 4, माइनस इनिशियल है वी नॉट अपॉन टाइम कितना है टी नॉट, तो रिटार्डेशन आ गया आपका माइनस 3/4 वी नॉट टी नॉट. कितनी देर में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक. तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते हैं. फाइनल वेलोसिटी आप चाहते हो जीरो, इनिशियल है आपकी v नॉट, रिटार्डेशन है माइनस 3/4 v नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टाइम t. तो जो टाइम t आ रहा है आपका वो आ जाएगा 4 t नॉट बाई 3. टोटल टाइम ये होगा, इतने टाइम में वो रेस्ट में आ जाएगा. ये पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम. जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है. समझो जरा क्या है, मान लिया डिस्टेंस कह दिया मैंने एस है और वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहा होगा. मैं ये मान के चल रहा हूँ वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है. मैं ये मान के चल रहा हूँ वो मोशन कैसा, स्ट्रेट लाइन उनको कहना चाहिए, या फिर यहाँ कहना चाहिए उनको कि वन डायमेंशनल मोशन है. तो डिस्टेंस का अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी या ये आपको स्पीड मिल जाएगी, बट एक वन डायमेंशनल मोशन है तो डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ती ही चली जा रही है, ठीक है. वो कभी टर्न बैक नहीं करेगा, वो चलता ही चला जाएगा. तो वी आ जाएगा आपका इस प्रोपोर्शनल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा, मतलब टाइम के प्रोपोर्शनल आ जाएगा. एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा और वो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है. उसमें कोई टाइम नहीं आएगा, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा पार्टिकल. बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा वीक है, वीक इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है स्ट्रेट लाइन मोशन है. अगर वो घूम गया हो इस तरह से, ठीक है, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल हो जाएगा. तो इसमें हमें कहना चाहिए कि मोशन जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन एंड यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल यहां से भी समझ में आ जा रही है, अगर डायरेक्शन वो बदले तो बदलने के लिए एक मोमेंट पे वेलोसिटी को जीरो करना पड़ता है, जैसा कि यहां से पॉसिबल नहीं है. यहां से साफ पता लग रहा है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही चली जाएगी. फिर भी सेफ साइड यहां लिख लेते हैं स्ट्रेट लाइन एंड यूनिडायरेक्शनल मोशन. अब ये क्वेश्चन परफेक्ट हुआ.
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एसिलेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा तो क्वेश्चन लगा देते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो ही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। एसिलेशन है 20 और 8 का स्क्वायर 64, तो यह आ जाएगा 640 सेंटीमीटर। सी पार्ट। ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए रिटार्डेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फर्स्ट टाइम एट विच ए पार्टिकल इज 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, पहली बार वो 15 मीटर दूर कब होगा? ठीक है, तो आप समझो जरा मोशन कैसा होगा इसका। ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, मान लिया मैंने कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, वेलोसिटी है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन है 0.1, तो ये आगे की तरफ जाएगा, जाता जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा और ये फिर वापस आ जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा जरा वो फाइंड करें जरा। तो एस इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्टॉपिंग डिस्टेंस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 0.1, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 20 मीटर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मीटर जाएगा ये। ठीक, तो 20 मीटर पे जाके फिर लौट के आएगा, तो ये 15 मीटर जो डिस्टेंस होगी उस पर ये दो बार होगा, एक बार जाते टाइम होगा और एक बार आते टाइम होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो रूट्स निकाले जाएंगे और दो रूट में जो छोटा वाला रूट होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, हम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा आसान है। स्टॉपिंग टाइम कितना होगा? स्टॉपिंग टाइम होता है यू अपॉन ए, यू है आपका 2 और ए कितना है 0.1, यानी 20 सेकेंड में ये पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली 15 मीटर तो 20 सेकेंड से पहले ही आ गया होगा, तो 20 सेकेंड से जो छोटा आंसर होगा वही आंसर मिल जाएगा, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। अब अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 10 सेकेंड्स पे देख लेते हैं कहाँ पे होगा वो, तो इक्वेशन बना लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2 × 10 माइनस हाफ ए कितना है 0.1 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 100। तो एक पॉइंट से एक जीरो हो गया, इधर बचा 5, इधर है 20 - 5 = 15, परफेक्ट। 10 सेकंड पे वो 15 मीटर डिस्टेंस पे होगा। ठीक, वरना हम क्वाड्रेटिक बनाते फिर उसको सॉल्व करते दो रूट्स आते, वो थोड़ा लंबा काम था, इससे ये फटाफट हो गया। सिक्स्थ, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एसलेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन गोज फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड एंड देन डी एसलेट एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल इट स्टॉप्स आफ्टर नेक्स्ट, वट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एसलेट कर रहा है 10 सेकेंड तक, उसके बाद कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है और फिर डी एसलेट कर रहा है जब तक कि वो रुक नहीं जाता, ये आफ्टर नेक्स्ट कुछ अजीब सा है। टोटल डिस्टेंस पूछिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। ठीक, तो जरा देखते हैं सिचुएशन क्या है। इनिशियल वेलोसिटी 0, 10 सेकंड तक उसने एसलेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो पहले इसी को सेटल कर लेते हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो एस इज इक्वल टू यू तो जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक, वेलोसिटी कितनी गेन कर ली होगी जो कि अगले मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो 0 है, a है 2 और टाइम है 10 सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर ली होगी। ठीक, अब अगले 30 सेकेंड तक वो कॉन्स्टेंट स्पीड से जाता है, तो कॉन्स्टेंट स्पीड से जाएगा तो एस वन नाम दिया, एस टू नाम दिया, कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से जाएगा वो अगले 30 सेकेंड तक, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 20 × 30, दैट मीन्स 600 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा। फिर वो रिटार्ड करता है, यानी अब अगली सिचुएशन समझिए, अब वो रिटार्ड करेगा, यानी ये 20 मीटर पर सेकेंड है ये तो बन जाएगी अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और तब तक रिटार्ड करता है जब तक कि रुक नहीं जाता, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और रिटार्डेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस लगा दिया रिटार्डेशन है, तो अब ये कितना और चल लेगा इसमें, तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, तो यहाँ से s3 आने वाला है यू स्क्वायर अपॉन 2 ए,
स्टॉपिंग डिस्टेंस है बेसिकली ये। यू स्क्वायर करेंगे हम 20 इंटू 2400 अपॉन 2, ए कितना है, ए है आपका 4, यहाँ माइनस आएगा बेसिकली, यहाँ जब इसको इधर लेके आओगे यहाँ वैल्यू पुट करोगे माइनस आएगा और वो माइनस और माइनस ए प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका आ गया 50 मीटर, होना भी चाहिए। जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया था, इस बात को आप ढंग से समझें, जब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया था तो उसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी वही वेलोसिटी गेन करने के लिए, जिसको अब हमें ख़त्म करके ज़ीरो कर देना है, लेकिन रिटार्डेशन हम करवा रहे हैं 4 से, तो डबल रिटार्डेशन है, तो आधी डिस्टेंस में ही वो खेल ख़त्म हो जाएगा, आधी डिस्टेंस में ही वो उसको ला के रोक देगा। तो जो काम उसने 100 मीटर में किया था वो कितने में हो जाएगा, 50 मीटर में, क्योंकि एक्सेलरेशन डबल हो गया, टाइम भी आधा लगेगा, डिस्टेंस भी आधी ट्रेवल करेगा। क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, तो वो हो गई 100 मीटर प्लस 600 मीटर प्लस 50 मीटर, तो 750 मीटर टोटल डिस्टेंस होगी। टाइम भी आप चाहो टाइम निकाल सकते हो, टोटल टाइम ऑफ मोशन, तो पहला था 10 सेकंड का मोशन, दूसरा था 30 सेकंड का मोशन, और जैसा मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ 5 सेकंड लगने वाले हैं, क्योंकि रिटार्डेशन डबल हो गया तो टाइम और डिस्टेंस आधी हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका 30 प्लस 10 40 45 45 सेकंड्स का टोटल जो है वो मोशन होगा। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू at। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल वो आपको बतानी है। तो जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू वो 80 है और पहले 4 सेकंड में, तो v को हम लिखेंगे ds बाई dt, dt को धर ले गए तो 80 dt बन गया ये। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले 4 सेकंड तो यानी 0 टू 4 सेकंड, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही हमें निकालनी है, तो इंटीग्रेट करके आ जाएगा 80 स्क्वायर बाई 2 सॉरी 80 स्क्वायर बाई 2 और टाइम की लिमिट डालेंगे 0 टू 4, तो 4 का 16 80 आ जाएगा आपका, 8a आ जाएगा, t की वैल्यू डालेंगे 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 अपॉन 2 8, 8a डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा फर्स्ट 4 सेकंड में। ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। When the body just crossed another body, the second one starts and moves with uniform acceleration of 4 meter per second square. The time after which two bodies meet. आराम से समझो हो क्या रहा है। एक body है ये move कर रही है 8 meter per second से uniform velocity से, और जैसे ये body नाम दे देते हैं A, और जैसे ये B body को cross करती है, बी बॉडी स्टार्ट करती है अपना मोशन कितने एसलेशन से, 4 मीटर पर, इतना तो अभी मोशन अपना स्टार्ट किया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसलेशन से, और ए मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकंड से। पूछा कितने टाइम के बाद दोनों बॉडीज मीट कर जाएंगी, शुरुआत में तो ये 8 वाली आगे 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 निकल जाएगी, ठीक, क्योंकि उसके पास तो इनिशियल वेलोसिटी है और इसके पास एसलेशन है, ये धीरे धीरे एसलेट करके वेलोसिटी गेन कर रही है, तो कितने टाइम के बाद दोनों मीट करेंगे, तो मान लिया ये दोनों यहां मीट कर गए, कितने टाइम और कितने डिस्टेंस पे हम दोनों चीजें फाइंड करेंगे। मान लिया डिस्टेंस ट्रेवल की एस और टाइम लगा टी, तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इस टी टाइम में दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तभी ये दोनों फिर से वापस से मीट कर पाएंगे। तो पहला वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो वो हो जाएगा 8 इंटू टी, सिंपली वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। और दूसरा वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यू तो इसका जीरो था, सिर्फ ए था, तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स 2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, एक टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर समझो टी इक्वल टू 0 एक रूट बनेगा इसका, और दूसरा रूट हो गया टी इक्वल टू 4, यानी 4 सेकंड पे वो दोनों मीट कर जाएंगे। कितनी डिस्टेंस पे मीट करेंगे, तो चाहे आप इधर से निकाल लीजिए डिस्टेंस, चाहे आप इधर से निकाल लीजिए डिस्टेंस, तो अगर यहां से डिस्टेंस निकालेंगे 8t 8 इंटू 4 सेकंड उसने लगाए, तो 32 मीटर 32 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो दोबारा से दोनों मीट कर जाएंगे, ठीक। अब दूसरी बात समझिए, जब ये मीट करेंगे तब A की वेलोसिटी कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकंड, वो तो कांस्टेंट से ही जा रहा है, बट B की वेलोसिटी डबल होगी, चेक कर लीजिए आप,
वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो जीरो था, एसलेशन कितना था उसका फोर, और टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड, एसलेशन फोर है ना उसका, टाइम लगा है 4 सेकेंड, 4 × 4 16 मीटर पर सेकेंड, यानी जब बी ए को मिलेगा तब उसके पास स्पीड जो होगी वो उसकी डबल होगी, और ये इस तरह की सिचुएशन में हमेशा होता है। पहले हाफ में, पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी बी की ए से कम रहती है और अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी बी की ए से ज़्यादा होती है। शुरुआत में वेलोसिटी बी की ए से कितना कम थी, देखो आप कितना कम थी, उसकी 8 थी, इसकी 0 थी, तो 8 मीटर पर सेकंड से कम थी, तो आखिरी में उसकी जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी, और ये हमेशा होता है। क्लियर, ये ध्यान रखना, जब ये मीट करेगा तो ये मत समझना उसकी वेलोसिटी 8 होगी, अगर उसकी वेलोसिटी 8 होती, धीरे धीरे बढ़ के 8 हो पाती तो वो तो उससे पीछे ही रहता, क्योंकि उसकी तो हमेशा से 8 रही है, तो वो तो बहुत आगे निकल गया होता। जब वो मीट करेगा तो उसकी वेलोसिटी उससे डबल होगी, अगर उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है मोशन।